बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। डॉक्टर जाफ़र मंजर आपकी खिदमत में हाज़िर है, और मैं जो प्रिस्क्रिप्शन आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो बलगमी खांसी के बारे में। अगर किसी मरीज़ को बलगमी खांसी है और बलगम निकलती है, खांसी वो तंग करती है, उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसे इस्तेमाल करके बलगमी खांसी से निजात हासिल की जा सकती है। इस दवाई को आप एक कुछ अरसे तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 15 दिन महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बलगमी खांसी आपकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, या जब तक मुकम्मल ठीक ना हो जाए उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों मेडिसिन नोट कर लें, ब्रायोनिया अल्बा, आर्सेनिक अल्बम और फास्फोरस। इन मेडिसिन को आपने 30% में लेना है। आप चाहें तो इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और चाहें तो इन्हें अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको 30% में रोज़ाना दिन में 3 बार इस्तेमाल कराना है। और कोशिश करनी है कि पेशेंट घी, तली हुई चीज़ें और चिकनाई से परहेज़ करे, और कच्चा दूध वगैरह ना पिए, बादी चीज़ें जैसे चावल, आलू वगैरह इस तरह की चीज़ों से कुछ परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से उसकी बलगमी खांसी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है वो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिनको पसंद नहीं आई तो वो बेशक ना लाइक करें या डिसलाइक कर दें। और आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट से पाक होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन होम्योपैथ्स हैं, आम लोग हैं, आम मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बेहतर है कि वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें। लेकिन ये बहुत मुफीद कॉम्बिनेशन है बलगमी खांसी के लिए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उनके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन तक पहुंचती रहें। होम्योपैथिक मेडिसन्स आप जानते हैं कि बेज़र्र होती हैं, लिहाजा मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरवीजो तरक्की के लिए मेरा साथ दें। और मैं समझता हूँ कि ह्यूमैनिटी पे भी ये एक एहसान होगा आप लोगों का, क्योंकि आपको अगर बलगमी खांसी है और आप हैवी किस्म के एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपके स्टोमिक पे, आपके मेदे पे और आपकी पूरी बॉडी पे पता नहीं किस तरह के मतलब नागवारी के असरात महसूस होंगे। ज़ाहरी बात है एक दौर में मैंने भी एलोपैथिक मेडिसन्स, कोई भी अगर तकलीफ़ होती थी तो हम इस्तेमाल करते थे, वो आपकी बीमारी को ठीक ज़रूर करती है लेकिन एक नागवारी का एहसास ज़रूर होता है इंसान को, और उसके मेदे पे और बाकी चीज़ों पे ज़रूर वो एक असर छोड़ती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है और आप भूल जाते हैं कि आपने कोई मेडिसिन खाई है या मेडिसिन ली है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आएं और अपने बच्चों को, अजीज़ों को, दोस्तों को भी होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ लाएं। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है फिर दोबारा किसी होम्योपैथिक रेमेडी के साथ या किसी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।